एडुटेरिया के द्वारा जो वस्तुनिष्ठ बिहार सम्मान अध्ययन किताब लाया गया है उसका बिहार जीके का हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो उसकी लिखी थी ब्राह्मी। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो स्थूल भद्र था, इन्होंने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो उस समय धनानंद था इंडिया में, भारत में, सिकंदर महान जब आया था भारत की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो काल अशोक ने पाटलिपुत्र को अस्थायी बना दिया था राजधानी के तौर पे। छठा क्वेश्चन है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? तो उस समय जो शासक था आपका देवपाल था। सातवां क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था? तो वो था शाह आलम द्वितीय, क्योंकि यही था उस समय भारत का राजा। 1857 के विद्रोह के समय, आठवां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो आपका सभी जगह, मतलब शाहबाद, पटना, सारण, सभी जगह मार्शल लॉ लगा दिया गया था। नवां क्वेश्चन, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक गठन की थी? तो किसान सभा का औपचारिक गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था 4 मार्च 1928 को। दसवां क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो खिलजी कालीन सिक्के बिहार में आपके शाहपुर जो कि भोजपुर में उधर मिला है। ग्यारहवां क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो ये शाहजहां ने किया था, पीटर मुंडी, उस समय पीटर मुंडी ने जब यात्रा की थी बिहार की, पीटर मुंडी जब बिहार आया था उस समय मुगल शासक था शाहजहां। बारहवां क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? तो राजकुमार परवेज जो था ना, जहांगीर का बेटा था। तेरहवां क्वेश्चन है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौर्नक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो जब कर लगा दिया गया तो जॉब चौर्नक ने हुगली शहर को लूट लिया, तो वो सूबेदार था शाइस्ता का। चौदहवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन बना? तो जब फौजदारी प्रशासन अंग्रेजों के अंदर में आ गया तो उसके बाद पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट बना था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। पंद्रहवां क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन हुआ था, का आयोजन बिहार के गया में किया गया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके चितरंजन दास। 16वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बिहार के 31 प्रतिनिधि गए थे, जो 1856 में हुआ था दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में। 17वां क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। बिहार में होम रूल की स्थापना कब की? तो बिहार में होम रूल 16 दिसंबर 1916 को स्थापित हुआ था। 19वां क्वेश्चन है, चंपारण में तीन कटिया पद्धति के अंतर्गत किसान को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था? तो तीन कटिया का मतलब होता है तीन, मतलब 3/20, कट्ठा में 20 होता है। 20वां क्वेश्चन है, बिहार के
बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस समय ना राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। 21वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो ये सभी थी, मतलब सरस्वती देवी भी थी, साधना देवी थी, ठीक ना, ये दोनों थी, तो अभियुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 22वां क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था, तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। 23वां क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो मीरन बना था बिहार का उप नवाब। 24वां क्वेश्चन, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो उस समय मुगल शासक था जहांगीर, जब ये सादिक जब बिहार आया था। 25वां क्वेश्चन है, कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां था। 26वां क्वेश्चन है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया गया? तो जलोढ़ मृदा आपको 90% भाग पर मिलता है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना गया है? तो खादर मिट्टी धान के उत्पादन में एकदम उपयुक्त है। 28वां क्वेश्चन, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी भी बोला जाता है, नारायणी नदी गंडक नदी को ही बोला जाता है। 29वां क्वेश्चन है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? तो महानंदा की सहायक नदी है मेची। अब कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, कोसी और मेची को आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार में। 30वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है आपका गया में। 31वां क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो ये आठ है। 32वां क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे है ना, उसका मुख्यालय वैशाली में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो यह है आपका बाण सागर परियोजना। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? खरीफ है ना, खरीफ जो कि गर्मी में उगाया जाता है, एक तरह समझ सकते हैं। तो देखिए धान भी उगाया जाता है, बाजरा और ज्वार सभी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार बन गया। तो आपको लगभग 50% तक अनुदान मिलेगा अगर आप वर्मी कंपोस्ट व्यावसायिक उद्योग लगा रहे हैं तो। 36वां क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है? तो पानी सबसे ज्यादा होता है उधर, एक तरह समझ सकते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। 37वां क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यान में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो उदयपुर आपका पश्चिम चंपारण में सही है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में ये भी सही है, संजय गांधी जैविक उद्यान भी पटना में, ये सही है, तो इसका आंसर डी सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो मगही पान, कतरनी चावल और शाही लीची सभी को जीआई टैग मिल चुका है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जिला घनत्व के मामले में कौन सा है बिहार में? तो वो है कैमूर। 40वां क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2% है। 41वां क्वेश्चन है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? तो 345 है, 3-4-5 उत्तर से दक्षिण। 42वां क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है बिहार में,
कटोरिया और मनिहारी। 43वां क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सी थे। 44वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश आपका आर्टिकल 213 के तहत जारी किया जाता है, और केंद्र सरकार मतलब कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति 123 के तहत करता है। 45वां क्वेश्चन है, किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। 46वां क्वेश्चन है, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु किसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। 47वां क्वेश्चन है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है सचिवालय का प्रधान। 48वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना क्या उतना होता है? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल है आपका 5 वर्ष का होता है। 49वां क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सूचना आयुक्त की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं, तो नियुक्ति से रिलेटेड जो राज्य में होता है अधिकतर राज्यपाल ही करता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले माया प्रसाद थे जो गैर कांग्रेसी थे। तो ये था सेट नंबर 11 का 50 क्वेश्चन। इसके पहले जो 10 सेट है अगर उसका आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वहां पर जाकर। तो ऐसे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।